जब भक्ति धारा बह रही हो तो सभी धर्म लाभ कमाने वाले कई तरह के कार्यक्रम करवाते रहती हैं। इसी कड़ी में वेद मंदिर आर्य समाज द्वारा वेद कथा और श्री राम कथा का आयोजन दीनदयाल नगर महर्षि दयानंद उद्यम में 10, 11, 12 नवंबर को किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रवचन दिए गए। इसके तुरंत बाद श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस कथा को 2 बार आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस आयोजन में जिन विद्वानों को आमंत्रित किया गया है उसमें आचार्य बीरेंद्र शास्त्री, श्री सुमित कुमार आर्य, लाल किशोर शास्त्री प्रमुख हैं। इस मौके पर हरिओम गुप्ता, महेंद्र प्रसाद मेहरा, ज्ञानेंद्र गांधी, महेंद्र पाल सिंह, शांति स्वरूप आर्य, उमेश चंद्र आदि मौजूद रहे। दुनिया की सारी बात तभी याद आती है, मन में मिलन की चाह नहीं, मन में संसार से मिलने की इच्छा तो है, कोई मित्र मेरा बाहर रहता हो बार बार मिलने की इच्छा पैदा होती है, पर जो सबसे बड़ा मित्र है जिससे बढ़कर के कोई सखा नहीं है, उस मित्र से मिलने कभी चाह पैदा हुई? फिर आनंद की वर्षा कैसे हो जब प्रेम के बादल नहीं छाते, आनंद की वर्षा भी नहीं होती। इसलिए कहा किसी ने, क्या कहा, मन में मिलने की चाह पैदा करो, चाह पैदा नहीं करोगे मिलन कैसे होगा। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए तो कभी नहीं। वह फूल क्या बता सके, फूल क्या बता सके, होती है क्या हंसी, वह फूल क्या बता सके, होती है क्या हंसी, जिस पर पड़े बहार के, जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं, जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो कभी नहीं।